हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे अलर्ट 91। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2019 के करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नाम से स्पेस वॉर से निपटने हेतु एजेंसी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, यह DSRO के नाम से एजेंसी बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। मोदी सरकार ने स्पेस वॉर की स्थिति में आर्म्ड फोर्सेज की ताकत बढ़ाने के लिए नई एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRO रखा गया है, जो उच्च क्षमता के आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित करेगी। यह एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहयोग करेगी। DSA में तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल होंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, फोर्ब्स द्वारा जारी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी लियोनेल मेसी है। अर्जेंटीना की स्टार फुटबॉल इस सूची में प्रथम स्थान है। उनकी कुल कमाई $127 मिलियन है। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय विराट कोहली है। कोहली को इस सूची में 100वां स्थान मिला है। विराट कोहली की कुल कमाई $25 मिलियन है। इसमें $21 मिलियन विज्ञापन की कमाई है, जबकि $4 मिलियन उनका वेतन है। किस राज्य में स्थित CSIR के हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष पराली से बायोडीजल बनाने की तकनीक तैयार की है? तो यह तकनीक फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने की है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष से बायोडीजल बनाने की तकनीक तैयार की है। इसे न केवल वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहला बायोडीजल कारखाना ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष 2019 का निर्जला एकादशी मनाया गया? तो फ्रेंड्स, यह 13 जून को मनाया गया है। गंगा दशहरा के बाद होने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। पूरे साल की 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीम एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बिना पानी के रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। हाल ही में न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में किस देश के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर के निवारण हेतु वैक्सीन के एक नए प्रसंस्करण की खोज की है? तो फ्रेंड्स, यह अल्जाइमर के निवारण हेतु वैक्सीन की खोज अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की है। यह वैक्सीन मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाओं को मर्त होने से रोकेगी। मस्तिष्क के अन्य भागों में बनने वाले टाउन टैंगलेस को भी कम करेगी, जिससे किसी चीज़ को याद करने और सीखने में सहायता मिलेगी। इस वैक्सीन में वायरस के आकार के कणों का प्रयोग किया गया है, जो टाउन टैंगलेस के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे, जिससे अल्जाइमर रोग से छुटकारा मिलेगा। टाउन टैंगलेस के कारण ही अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में फैलता है। हाल में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में वर्षा पसंद करने वाली सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो फ्रेंड्स, वर्षा पसंद करने वाले सांप की नई प्रजाति की खोज मिजोरम में की गई है। वैसे इस सांप का नाम मिजोरन स्नेक है, लेकिन ब्रिटिश सर्प वैज्ञानिक मेलकम स्मिथ के नाम पर इसे स्मिथोफिस टेम्पोरेलिस वैज्ञानिक नाम दिया गया है। काले सफ़ेद रंग का यह सांप जहरीला नहीं है और बारिश होने के बाद अक्सर इसे मानव बस्तियों के आसपास देखा जाता है। शोधकर्ताओं के लिए सांप की नई प्रजाति है, लेकिन स्थानीय लोग इसे रुआलामरुल नाम से पुकारते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि 3 जुलाई से और कितने महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो यह फ्रेंड्स बढ़ाकर 6 महीने की ओर कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि 3 जुलाई से और 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि राज्य में 19 दिसंबर 2018 से राज्यपाल
शासन की अवधि 2 जुलाई को खत्म हो रही है। सदियों पुराना ग्रामीण त्यौहार वलसा देवरालू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, वलसा देवरालू त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है। वलसा देवरालू आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मनाया जाने वाला सदियों पुराना एक त्यौहार है। यह एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसकी शुरुआत सम्राट श्री कृष्ण देवरयालु या कृष्ण देवराय के शासनकाल में हुई थी। ग्रामीण इलाकों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए यह तब मनाया जाता है जब बुआई के लिए कुछ ही हफ्ते शेष बचे हों। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आपका मताधिकार ज़रूर से दें।